अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूं अपनी पिछली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। तो जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके पहले वो वीडियो देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, फैक्ट नंबर 2, टिकटॉक के साथ साथ 59 चाइनीज़ ऐप बैन हो चुकी हैं। ये बात तो बहुत पुरानी है, लेकिन फ्रेंड्स, टिकटॉक के बैन होने से चाइनीज़ कंपनी को तकरीबन $6 बिलियन का घाटा हो चुका है, जो कि 88,000 करोड़ के जितना हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट आने वाले वक्त में टिकटॉक को अनबैन करेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। फैक्ट नंबर 1, फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक शिप में मौजूद 2200 से भी ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उनमें से 1500 लोग मारे गए और सिर्फ 700 लोग ही सही सलामत लाइफ बोट में बैठकर जिंदा बच पाए थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन 2200 लोगों में से सिर्फ 700 लोगों को ही बचाया जा सकता था, क्योंकि जिस टाइम टाइटैनिक डूबा था उस वक्त लाइफ बोट में ज़रूरत से ज़्यादा जगह खाली रहने के बावजूद सब लोगों को लाइफ बोट में नहीं बिठाया जा रहा था, क्योंकि उनमें से कुछ लोग बहुत गरीब थे और बहुत से लोग अमीर थे। जो लोग अमीर थे वो लोग लाइफ बोट में ज़्यादा जगह रख रहे थे ताकि वो अपना बाकी का सफ़र आराम सुकून से कर पाएं। लेकिन फैक्ट और इंसानियत तो ये थी कि अगर लाइफ बोट में जगह के मुताबिक लोगों को बिठाया जाता तो शायद 500 लोग भी अपने हाथ से जान ना गंवाते। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली और एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।